अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी पकौड़ा, जिसके लिए मैं लूँगी बेसन 1 कप और दही भी मैं 1 कप लूँगी। अब मैं और जो मसाला है वो मैं लूँगी 4 अदद, 2 लाल मिर्चें हैं, नमक है, पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और हल्दी है, और प्याज है मीडियम साइज़ का, हाफ स्लाइस में कटा हुआ। अब मैंने बेसन 1 इंची में डाल दिया और दही भी मैं इसके साथ ऐड कर दूँगी। दही गाढ़ा है, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्स करूंगी ताकि इसके जो बेसन के सारे लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। अगर मैं एकदम से पानी डाल दूंगी तो लम्स ख़त्म नहीं होंगे और उसका जो पेस्ट है वो स्मूथ नहीं बनेगा। अब मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया, पानी मैंने 1 लीटर के करीब अभी ऐड करा है इसके अंदर। अब मैंने फ्लेम ऑन करा है, थोड़ा सा फ्लेम हाई पे रखा है मैंने। अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दूँगी, 4 से 5 मैंने इसके अंदर गोल लाल मिर्चें डाली हैं, हल्दी डाली है मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून, नमक डाला है मैंने 1/1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून डाली है और पिसी हुई भी 1 टीस्पून ऐड कर दी है मैंने इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर मुस्तकल चमचा चलाऊंगी, चमचा इसके अंदर मुस्तकल हिलाते रहना है ताकि कोई लम्स ना बने। जब कढ़ी में एकदम से बॉईल आएगा तो वो एकदम गाढ़ी होना शुरू हो जाती है, इसलिए इसके अंदर मुस्तकल चमचा चलाना ज़रूरी है। देखें कढ़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अभी इसके अंदर मुस्तकल चमचा हिलाते रहना है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। ये देखें इसके अंदर बॉईल आना शुरू हुआ है। इसको एक बॉईल आ जाता है फिर उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, मैंने 1/2 लीटर पानी और इसके अंदर डाला है। अब मैं फिर मिक्स करूंगी, देखिए बिल्कुल पतला सा एक बन गया है। मैं इसको कवर करके इसका लिड आधा लगाऊंगी, पूरा लिड से कवर नहीं करूंगी। 10 मिनट बाद फिर इसको उसके अंदर मैं प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज मैंने मोटा मोटा काटा है, मोटा मोटा प्याज इसके अंदर डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है खाने में। ये देखिए अभी कढ़ी पतली है, फिर मैं इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकाने रख दूंगी। मैंने इसको कम से कम 1 घंटा पकाऊंगी। अब मैं पकौड़े बनाऊंगी। बेसन ले लिया मैंने इसके अंदर 1 कप, प्याज ले ली 1 मीडियम साइज़ की और हरी मिर्चें ले ली हैं 1 टेबल स्पून, हरा धनिया 1 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें और पिसी हुई लाल मिर्चें भी 1/2 टीस्पून है। बेसन के अंदर मैं ये प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज मैंने ग्रेट कर लिए और ये सारे मसाले इसके अंदर बेसन में मैं ऐड कर दूंगी, इनको मिक्स करूंगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका मैं बैटर तैयार कर लूंगी। इसका बैटर ना तो ज़्यादा ठीक हो और ना ज़्यादा थिन हो। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 पिंच खाने का सोडा, थोड़ा सा पानी इसके ऊपर ऐड करूँगी ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 2 मिनट के लिए रख दूँगी मैं। अब मैंने तेल रख लिया है, फ्लेम ऑन करा हुआ है मैंने, तेल गर्म हो चुका है। मैं इसमें 1 पकौड़ा डाल के देखूँगी, तेल गर्म हो चुका है।
मैं एक एक करके सारे पकौड़े तेल में डाल दूँगी। ये भी मैं छोटी बनाऊँगी, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाऊँगी क्योंकि मुझे पर्सनली छोटे अच्छे लगते हैं। आपकी मर्ज़ी, अगर आप बड़े बनाना चाहें तो बड़े बना सकते हैं। सारे पकवाड़े इसके अंदर ऐड कर दूंगी, मैं इतने करूंगी कि ये आराम से इसके अंदर फ्राई हो जाए। ज़्यादा मैंने भर के नहीं बनाए, डालें इसके अंदर। इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये इवनली गोल्डन हो जाए। ये देखिए आप, बहुत अच्छे से गोल्डन हो गई। जो मुझे कलर चाहिए वो गोल्डन कलर आ चुका है इसके ऊपर, तो मैं इसको ऑयल में से निकाल लूँगी। कढ़ी मेरी पक के तैयार हो चुकी है, इसको मैंने 1.5 से 2 घंटे पकाया है। आप पकौड़े भी तैयार हो चुके हैं, अब मैं पकौड़े इसके अंदर ऐड कर दूँगी और मीडियम फ्लेम पे मैं इसको 15 मिनट तक बॉईल दे दूंगी ताकि पकौड़े इसके अंदर जाके और सॉफ्ट से हो जाएं। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी कड़ी पत्ते का और गरम और इसका ज़ीरे का। अब मैंने इसको डिश आउट कर दिया है, आप इसको रोटी के साथ सर्व करें, राइस के साथ सर्व करें, इसे ज़रूर आप ट्राई करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।